हेलो गाइस, मैं हूँ सुमल विश्वास। मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक वापस नया वीडियो लेके। तो गाइस आइए, आज मैं दिखाता हूँ इस खूबसूरत सा बिल्डिंग का जो प्लायर उन्होंने बनाया है। हाउस का लुक्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप आगे जाके अंदर जाके देखते हैं कि इन्होंने अंदर का प्लानिंग क्या बनाया है। बाहर का लुक्स तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस आइए, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर का प्लानिंग क्या बनाया है। तो जब भी आप एंट्रेंस करोगे, यहाँ से एंट्रेंस से ऊपर एक स्टार केस निकल गया है ऊपर के लिए। और गाइस इस तरह पे बेडरूम है और एक बाथरूम है। मैं बेडरूम और बाथरूम आपको मैं दिखा रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपके इस हॉल रूम को दिखा लेता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हॉल छोड़ा है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। और आइए मैं इसका अंदर जाके इधर और एक बड़ा बेडरूम छोड़ा है, तो इस बेडरूम को मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी आप एंट्रेंस करते हो, आपका राइट साइड में एक बहुत ही बड़ा बेडरूम है। देखिए इस बेडरूम का साइज़ देखिए, मुझे इस बेडरूम का साइज़ लगता है 18x20 का बेडरूम है। बोले तो बहुत ही बड़ा कंफर्टेबल बेडरूम है। तो इस बेडरूम को भी बहुत अच्छा उन्होंने बनाया, बहुत ही स्पेस से बनाया है, बहुत ही बड़ा बेडरूम है। तो आ जाइए इधर से, एक वापस एक एंट्रेंस है देखिए। तो ये घर का बैक एंट्रेंस है, और जहाँ पर मैं एंट्री किया वो आपका घर का फ्रंट एंट्रेंस था। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, काम चालू है। तो गाइस वेदर भी बहुत खूबसूरत है देखिए, और पेंटरेस्ट भाई यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, पेंटिंग चालू है अभी तक गाइस। तो ये घर का बैक एंट्रेंस है, तो उस साइड से जो था वो फ्रंट एंट्रेंस था। तो गाइस चलिए मैं आपको इस साइड का जो डिज़ाइन थोड़ा देखिए, इधर का स्टार के इसका नीचे के अभी थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ा है इन्होंने, जहाँ पर आप सामान स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बाथरूम बनाए हैं, ये देखिए ये बाथरूम है। तो ये कॉमन रूम के हिसाब से आप बाथरूम यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर बेडरूम के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक बेडरूम के साथ ही है। जब भी डोर खोलोगे आपके बाहर ही बेडरूम है, और बेडरूम भी देखिए काफ़ी बड़ा है। ये भी लगता है मुझे 12x14 का बेडरूम है, बहुत ही बड़ा बेडरूम है ये भी। तो गाइस आइए मैं आगे चलते हैं, और इधर का आपको थोड़ा सीलिंग दिखा देता हूँ। देखिए सीलिंग का भी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो आइए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर का एक नज़ारा देख लीजिए आप, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो कि इन्होंने टोटल प्लान कैसे बनाया। मैं आपको घर के पूरा कोने कोने दिखाऊंगा, घर वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बाहर का वेदर देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है। और देखिए एक बादल का नज़ारा, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि सिनारी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस दिखाता हूं मैं आपको जो इस रूम को बारे में, जो कि ये भी एक बहुत ही बड़ा बेडरूम है। जब भी आप एंट्रेंस से ऊपर एंट्रिंग करोगे, तभी आपको ऊपर और एक बड़ा बेडरूम मिलेगा, और उसके साथ बनाया है इन्होंने अटैच बाथरूम। तो गाइस इस अटैच बाथरूम का भी साइज़ बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा प्लान करके इन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छा इंजीनियर का प्लान है ये। तो गाइस ये देखिए इधर से भी ये बाथरूम का ये जो प्लान है, ये बाथरूम रूम के अंदर ही है, और बहुत ही बड़ा बाथरूम है। तो गाइस यहाँ से जब हम बाथरूम से एग्ज़िट करते हैं, ये तो ये बेडरूम है। ये बेडरूम का साइज़ भी देखिए, बहुत ही बड़ा बेडरूम है। और इधर से आप आगे का नज़ारा थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से वेदर भी देखिए कितना अच्छा खूबसूरत वेदर है। तो इधर से एक उन्होंने खाली स्पेस छोड़ा है, जाके आप घर के आगे बेडरूम के आगे आके थोड़ा आप टाइम पास कर सकते हो, थोड़ा बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ऊपर का देखिए सीलिंग का भी लाइट बहुत ही अच्छा सीलिंग लाइट दिया है इन्होंने, और बीट भी बहुत अच्छा छाता बीट लगाया है इन्होंने, जिसके लिए लुक्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस छोड़ा है इन्होंने, जो कि आपको देखने के लिए बाहर का नज़ारा, और आप टाइम पास भी कर सकते हो यहाँ पर बैठ के, आप आपका हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस साइड में भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो घर का बहुत ही खास बात है। तो गाइस ये घर का मेन एंट्रेंस था, और जब भी आप ऊपर से एंट्रेंस से आए हो, आपका लेफ्ट साइड में देखिए ये हमारा पीछे एक ये देखिए ये हमारा स्टार केस है। जब स्टार केस से एंट्री किया, उधर बेडरूम है, और ये सबसे बड़ी यह इंटरेस्टिंग बात, ये अपना स्विमिंग पूल है गाइस। तो जहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो, मस्त आप स्विमिंग सीख सकते हो, आप मज़ा कर सकते हो, शावर ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे मज़ा ले रहा हो चाहोगे पूल की। अगर पूल का आपका शौक ही नहीं, तो आप इस तरीके से पूल बना सकते हो घर के अंदर। तो गाइस यहाँ पे भी उन्होंने एक सा छोड़ा है, जिस जैसे कि उस साइड में छोड़ा था, इस साइड से भी ऐसे ही छोड़ा है। और यहाँ से आपको मैं आपका लुक्स दिखा देता हूँ एक ऊपर का, देखिए लुक्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि सीलिंग लाइट भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। और चलिए गाइस मैं आपको ऊपर जाके दिखा देता हूँ ऊपर का नज़ारा है क्या है। देखिए ये ऊपर जाने का एक रास्ता है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आप ऐसे भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ऊपर लेके जाके दिखाता हूँ कि ऊपर का रास्ता कैसे है, और ऊपर जाके क्या है इसके ऊपर। तो गाइस मैंने आपको नीचे दो बेडरूम दिखाया है, ऊपर एक बेडरूम दिखाया है, तीन बेडरूम हो चुका है घर के अंदर, और दोनों साइड से बरामदा खुला है। ऊपर एक हॉल, उधर एक एंट्रेंस में हॉल रूम भी है, और मैं ये आ चुका हूँ बिल्डिंग का टेरिस पे।
तो गाइस देखिए टेरेस से तो आप समझ ही रहे होंगे इधर से लुक्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और आप इसको कितना एंजॉय कर सकते हो। जब भी आप इधर बैठोगे आपको मूड पूरा फ्री हो जाएगा, चारों तरफ ग्रीन 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 और वेदर देखो कितना अच्छा वेदर है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो, देखिए आप कितना ऊपर है, सबसे ऊपर है। आप यहाँ से मेन रोड्स का आप व्यू देख सकते हो, मेन रोड्स भी है और यहाँ से आपका पूरा गार्डन भी दिखेगा और यहाँ पे आपका जो साइड का स्पेस छोड़ा है वो भी दिख रहा है। और शुक्रिया आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरा वीडियो को देखने के लिए। गाइस अगर वीडियो पसंद आया, आपको प्लानिंग पसंद आया हाउस का, तो गाइस एक लाइक ज़रूर बनता है। गाइस इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आप गाइस मेरा चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।